लाइट 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 दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं जो लाइटों की खोज में, जहाँ पर मैंने एक नई सी लाइट को खरीदा है। ये एक RGB लाइट है दोस्तों। इसका जो खासियत क्या है, आप किसी भी कलर को एक लाइट से जो मेक कर सकते हो। RGB का मतलब जो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू, यहाँ पर तीन कलर के LED लाइट्स इसमें दिया जाते हैं। और दोस्तों यही जो लाइट मिलकर किसी भी तरह का कलर जो यहाँ पर मेक कर सकते हैं दोस्तों, ब्लैक को छोड़कर। दोस्तों आज की वीडियो में इसी लाइट की जो रिव्यू देखेंगे, कैसे है क्वालिटी, और दोस्तों इस लाइट की जो प्राइस है, चुपके से बताता हूँ, 300 रुपीस। तो दोस्तों आज हम इसकी रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या है क्वालिटी, एक्चुअली में 300 रुपये में क्या हमें क्वालिटी देखने को मिलती है, वो भी RGB लाइट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपंकर, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल को। तो दोस्तों चलिए शुरू में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर लाइट की जो क्वालिटी की बात करते हैं, बॉडी क्वालिटी की, तो सामने आपको जो मिल जाएगा इसके जो प्लास्टिक का बॉडी है, और दोस्तों पीछे आपको मेटल का बॉडी देखने को मिले, जो बहुत ही पतला सा टीन टाइप बॉडी है। दोस्तों अगर इसकी जो बॉडी फिटनेस की बात कहूँ तो दोस्तों बहुत ही कमज़ोर है। तो इतने से रुपये में तो बहुत ही बढ़िया लाइट है, और इसे आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है, जो रिमोट पर हमें कौन कौन सी प्रोग्राम मिल रही है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए आपको दो बटन दिया जा रहा है, और जो यहाँ पर कलर का बटन देख पा रहे हो, जिस भी कलर का बटन है वही आप दबाएंगे तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा ये लाइट। और ऊपर ब्राइटनेस घटाने या बढ़ाने के लिए दो बटन दिया जा रहा है, माइनस प्लस, और जो यहाँ पर कुछ सारे प्रोग्राम वगैरह दिया जा रहा है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँगा जब भी मैं लाइट को ऑन करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो घर के एसी करंट से, यानी कि 240 वोल्ट पे इसका जो कनेक्शन कर दिया है, और दोस्तों साइड पे आपको रिमोट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो मैं जिस भी बटन को यहाँ पर मैं दबाऊंगा तो आपको साइड में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो लाइट को ऑन कर दिया है, जो ऑन ऑफ बटन से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों जो साइड पे आपको जो मिल जाती है दो ब्राइटनेस वाली ऑप्शन, तो ब्राइटनेस जो यहाँ पर से माइनस कर सकते हो, तो ये बेहतर सी फीचर्स है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्लस भी आप कर सकते हो। तो और दोस्तों जो यहाँ पर कलर वाला बटन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जिस भी बटन को दबाना चाहते हो तो दोस्तों उसी कलर का जो बटन की जो कलर है वही कलर यहाँ पर लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। तो पहले मैं ये वाला बटन दबाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो जो बटन का जो कलर है वही कलर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है हमारा लाइट। तो जिस भी बटन को आप दबाओगे, इसके ऊपर वाला दबाता हूँ, तो इससे यहाँ पर आप देख सकते हो कलर जो चेंज हो रहा है। दोस्तों बेसिकली इस लाइट पे तीन कलर का लाइट दिया जाता है दोस्तों, वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो दोस्तों इसी तीन कलर से जो सभी कलर का प्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों जिस भी बटन को आप दबाओगे वही कलर यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। और दोस्तों इसके साइड पर जो प्रोग्रामिंग वाले कुछ सारे बटन दिया गया है, तो मैं एक एक करके दबाता हूँ। जो सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो इसका फ्लश वाला ऑप्शन, तो सब फ्लश वाला ऑप्शन दबाते ही तो ऑटोमेटिक इसका जो प्रोग्राम है वो चेंज होता रहेगा। तो फ्लश की तरह जो कैमरा में फ्लश दिया जाता है, जो उसकी तरह जो ये चेंजिंग लाइट को चेंज करेगा। और दोस्तों इसके साइड पर आपको जो स्ट्रोब वाला बटन दिख रहा है वो भी मैं दबा देता हूँ दोस्तों, ये और भी फास्ट जो अपने कलर को चेंज कर रहा है। और इसके नीचे फेड वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो भी मैं दबा के आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली जो स्लोली स्लोली ये कलर को चेंज करता है। तो कुछ सारे प्रोग्रामिंग यहाँ पर दिया जा रहा है इस लाइट पे, और जो लास्ट में आ जाती है वो है स्मूथ, तो वो भी हम दबा के देख लेते हैं। तो जो ये स्मूथली जो हमारे कलर को चेंज करेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस लाइट की जो एक मेन वीक पॉइंट है वो है ये लाइट फ्लिक करता है दोस्तों। अगर आप जो इसमें मैं शटर स्पीड को बढ़ाता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो ये फ्लिक करता है। और दोस्तों ये कहीं पर भी लिखा नहीं होगा जो ये लाइट फ्लिक करता है, तो आप जब भी ऑनलाइन परचेस करें तो बी अवेयर दोस्तों। अगर आप ये लाइट वीडियो पर्पस ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, तो आपका पैसा पानी में जाएगा।
दोस्तों ये लाइट बहुत ही ज्यादा फ्लिक करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं शटर स्पीड को जितना भी फास्ट करूंगा, अभी 160 पर है शटर स्पीड, तो आप देख पा रहे हो जो इसकी जो फ्लिकर रेट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जितना आप जो शटर स्पीड को फास्ट करोगे उतना ही जो ये फ्लिक करना शुरू कर देगा। और दोस्तों जो अगर आप वीडियो पर्पस यूज़ करना चाहते हो तो आपको 100 शटर स्पीड पर रखना है, तो दोस्तों ये बिल्कुल फ्लिक नहीं करेगा। तो मैं अभी 100 पर कर देता हूँ, तो आप देख पा रहोगे जो ये फ्लिक करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये में लाइट की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया सर लाइट देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम जो है, जो थोड़ा सा ये फ्लिक करता है, थोड़ा सा क्या, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लिक करता है कैमरा के सामने। और दोस्तों जो इसकी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है इसके रिमोट वाला ऑप्शन, दोस्तों रिमोट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो ऑफ ऑन। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सा मुझे लगा है जो रिमोट वाला ऑप्शन। और दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रोग्राम भी दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप जो सामने में बहुत ही अच्छा क्रिएट कर सकते हो जो लाइट वगैरह होती है। दोस्तों यही थी जो इस लाइट के बारे में सारी जानकारी, जहाँ पर मैं अपने स्टूडियो में कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा, किसी ना किसी जगह पर इसे काम पर लगा ही दूंगा। तो बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसी वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।